सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर टू पर, एंड यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड भी हम लोग पीछे जो है एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो होप कि आपको आ गई होगी डिवीजन मेथड कि किस तरह से करते हैं एंड किस तरह से वो डिवीजन हम लोग अप्लाई करते हैं। बहुत ही डिटेल से मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ था, तो अब हम लोग क्या करेंगे वो डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है, स्क्वेयर रूट है, डिवीजन मेथड नहीं है। तो अगर किसी को अभी तक डिवीजन मेथड में कन्फ्यूजन है तो वो दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये जो चीज़ है आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर अभी जो आपकी डिवीजन मेथड है क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देखिए हर जगह हमारे पास क्या होते हैं, ये मेथड्स यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ पार्ट वन। सो यहाँ पर मैंने पार्ट वन लिख लिया है, चलिए इसको हम लोग डिवीजन में सबसे पहले लिख लेते हैं एंड देन इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे अपना डिवीजन मेथड ताकि हम लोग इसका क्या करें, स्क्वायर रूट अब निकाल सकें। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो आ सके। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैंने क्या किया अपना जो फंक्शन है वो अंदर लिख लिया है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले ही मेथड बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको किस चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हम लोग खुद लेंगे एंड यहाँ पर भी हम लोग खुद लेंगे एंड सारा का सारा जो मेथड है वो यहाँ का बता चुकी हूँ कि किस तरह से प्लस करना है एंड किस तरह से एक चीज़ को कंटिन्यू करते जाना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ले लें, हमारे पास क्या है, या हमारे पास है 4x4। तो अगर मैं यहाँ पर 2x2 लूँ, यहाँ पर 2x2 लूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 4x4 बन जाएगा, ऑफकोर्स बन जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, ये हो जाएगा 2x2 एंड ये हो जाएगा 2x2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4x4, ठीक है। एंड यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल। हमारे पास ये बाकी का नीचे बच गया तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, अब छोटे छोटे लिखते हैं ताकि हमारे पास जो है पूरी डिवीज़न यहीं पर हो जाए एंड हमें दूसरी जगह मतलब इसको क्लियर ना करना पड़े। तो ये हो जाएगा 9। अब अगर यहाँ पर देखें तो मैंने क्या किया था, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4x2, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो 4x2 बन गया। अब एक और न्यू टर्म लेंगे, न्यू टर्म किस चीज़ के लिए लेंगे, ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। सो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है तो हम लोग x ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस है तो हम लोग माइनस x लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर भी माइनस x ले लेंगे, यहाँ पर भी माइनस x ले लेंगे, ठीक है। अब इसको इस x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x2 हो जाएगा हमारे पास इसके, तो ये क्या हो जाएगा -4x³। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा +x², ठीक है। नाउ इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल, इन दोनों को माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 12x² बच जाएगा, -6x+9 हो जाएगा। अब अगेन मेरे पास कंटिन्यू रहेगा 4x² माइनस, इन दोनों को मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। अब एक और न्यू टर्म लेंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, पावर स्क्वायर है, ठीक है। एंड अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 को हम लोग ऐसे किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12x² आ जाए। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है यानी हमें x की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग कोई कांस्टेंट टर्म लेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट टर्म यानी 3 ले सकते हैं, +3 बिकॉज यहाँ पर भी प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास +3, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12x² एंड -2x 3 = -6x, 3 × 3 = +9, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एंड दे ऑल विल बी कैंसिल एंड मेरे पास डिवीजन में 0 आ गया, यानी मेरे पास जो है आंसर ख़त्म, यानी डिवीजन ख़त्म। अब मैं स्क्वायर रूट किस चीज़ का लूँगी, स्क्वायर रूट मेरे पास इस चीज़ का आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, तो चलिए इसको हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन लिख लेंगे। सो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 4x4 -4x3 -13x² एंड साथ में क्या था, -6x+9 = what, +2x² - x+3। अब अगर कोई बोल रहा है कि टीचर पहले तो आप स्क्वायर रूट अप्लाई करती थी एंड अब आपने स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं किया बिकॉज डिवीजन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं एंड डिवीजन मेथड में हमारे पास स्क्वायर रूट होता है,
ठीक है, तो हम लोग ने डिवीजन मेथड यूज़ किया, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट में आंसर डायरेक्ट ये आ गया इन टू प्लस माइनस। ठीक है, सो यहाँ पर प्लस माइनस भी आपने नहीं भूलना, वरना आपके टीचर जो है वो इस बेसिक सी मिस्टेक को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक मिस्टेक्स जो है वो मत किया करें, अगर अभी से आप वो ख़त्म कर देंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया प्लस इनटू माइनस, एंड साथ में हमने अपना फंक्शन लिख लिया जिसको हमने डिवीजन में यूज़ किया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं सेकेंड पार्ट पर। तो अगर यहाँ पर देखें तो काफ़ी लेंथी है अगेन हमारे पास जो है गिवन फंक्शन, लेकिन देखिए जब भी हमारे पास चीज़ लेंथी होती है इट डजेंट मैटर, हमें सॉल्व आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो वैसे भी हम लोग फिर बाकी जो ऐसे डिवीजन वाले होते हैं या फिर बड़े फैक्टर्स होते हैं उनको तो हम लोग हैंडल कर ही देते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो बहुत प्रैक्टिस करें, उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये नहीं कि आप इसको देख लें, ओ ये तो मुझे आता है, इसको छोड़ो दूसरे वाला करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बिल्कुल भी मत कीजिए। जब आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो पूरी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया करें। एंड जब आप, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मसलन अगर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, अब मसलन एक एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस है ना, तो आप क्या करें, सबको सॉल्व करें। ठीक है, अभी आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है तो आपने सब सॉल्व करना है, सही है। और सॉल्व करते हुए जब आपको कोई ज़्यादा मुश्किल लगे, ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि 2 वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है और 4th वाला बहुत मुश्किल है, बाकी के इजी हैं, तो आपने 2 और 4 को जो है वो करना है हाईलाइट। तो जब भी आप फिर टेस्ट दें या फिर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो ये जो बाकी के होंगे तो वैसे भी आपको आते होंगे जो ईजी वाले हैं, जो मुश्किल वाले हैं तो आप हर एक एक्सरसाइज में जो मुश्किल मुश्किल आपने टिक किए हैं आप सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है वो कवर हो जाएगी। तो ये थी एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक फॉर एग्जाम्स, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो ट्रिक है मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को बताई है सब कहते हैं कि ये हमारी बहुत काम आती है और ये जो है हमारा टाइम भी जो है बचत करती है, ठीक है, एग्जाम्स के टाइम। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 4 एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। तो ये हो गया हमारा गिवन क्वेश्चन। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, x ऑफ 4 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर भी x स्क्वायर ले तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे x की पावर 4। तो ये तो हो गया है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, दिस विल बी कैंसल बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ अगेन हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट व्हाट, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है सिर्फ एक्स क्यूब है एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया है 2x स्क्वायर। सो व्हाट विल बी राइट, अगर हम लोग देखें तो हम लोग ले सकते हैं x/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x और x क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। सो हमारे पास x जो क्यूब है वो निकल आएगा, ठीक है। एंड साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बस ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 31 डिवाइडेड बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 16। तो यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर भी हम लोग ले लेंगे x/2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जाहिर सी बात है ये तो आपको पहले से पता है, मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल, एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब हमारे पास आ गया है जो कि माइनस हो जाएगा, साइन विल बी चेंज। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम लोग इसको और इसको देखें तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा एक्स स्क्वायर, 2 और 2 हमें देगा 4। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और बीच में साइन किस चीज़ की लगेगी, प्लस की साइन लगेगा, ठीक है। एंड बाकी के एज इट इज़ रहेंगे। तो चलिए ये साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास माइनस आ जाएगा, इन दोनों को आपस में माइनस इनटू माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -8x², ठीक है। एंड ये जो बचे इसको भी लिख देंगे -4x + 16, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा टर्म ले सकते हैं, अगर हम देखें सो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं -4,
माइनस फोर ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर माइनस फोर ले लेते हैं। जब अगर आप बोल रहे हैं ना कि मतलब मैम आप तो बस ले लेती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप प्रैक्टिस होगी आपकी सो आपको आइडिया होता रहेगा। तो तभी मैं कहती हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा कि यहाँ पर हम लोग कौन सा टर्म ले सकते हैं। सो टू एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा एक्स, और ये हमने माइनस फोर न्यू लिया है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने अपने सारे टर्म जो है वो ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस, तो टू फोर ज़ार एट, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एट एक्स स्क्वेयर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर एक्स, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सिक्सटीन, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्सटीन हो जाएगा। ठीक है, सो साइन विल बी चेंज, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो दिस विल बी ऑल कैंसिल, और हमारी जो सोल्यूशन है वो एंड तक आ चुकी है। अब हम क्या लेंगे, हमेशा से जो हम लोग लेते आ रहे हैं, हम लोग ने क्या करना था, हम लोग ने इसका क्या फाइंड करना था, स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर रूट हम लोग ने तकरीबन फाइंड कर लिया। चलिए लास्ट का जो हमारा आखिरी का एक पॉइंट है उसको लिख लेते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लें, और या फिर इसके आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें बिल्कुल गड़बड़ ना कीजिएगा, अगर आपने एक भी वैल्यू गलत लगाई सो आपको पता है कि सारा काम जो है वो ख़राब हो जाएगा और एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो है वो बन जाएगा। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको सबसे पहले स्क्वायर रूट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, तो तभी आपके पास मेरे जो न्यू वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आएंगी। तो चलिए इसको तो हमने लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या निकला। अब यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर जो होगा वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब मैंने जो फर्स्ट वाले का था वो तो मेथड बता दिया, अब आपको पता होना चाहिए था कि वो मेथड क्या है, एंड पीछे वीडियो में मत जाइएगा, सबसे पहले खुद देखिएगा कि हाँ आपको पता है कि इधर आंसर में क्या आएगा, उसके बाद ही आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो चलिए हम आ गए हैं पार्ट थ्री की तरफ, एंड होप कि अब आपको उसका आंसर भी पता चल गया होगा। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले इसको हमने इधर फैक्टर्स में लिख देना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एंड प्लस ये हो जाएगा टू एक्स वाई माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसे एक्स स्क्वायर वाली चीज़ों को सॉल्व कर लिया है। सो होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हम लोग एक्स एंड यहाँ पर एक्स लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द एक्स स्क्वायर वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर ले होते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट टू ऑफ एक्स। अब अगर यहाँ पर देखिए तो हमारे पास जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बहुत छोटी वैल्यू यानी वन है, सो हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास वन आ जाए। सो हम लोग ले सकते हैं एक खाली कांस्टेंट वैल्यू जो कि माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, सो माइनस वन को हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, और मेरी जो ये वाली रिंग है वो खो गई है, और अब पता नहीं वो कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही, तो अब देखते हैं कि वो मुझे मिलती है या नहीं मिलती। खाली खाली सा लग रहा है, तो नहीं मिली तो मुझे दूसरी लेनी पड़ेगी, ये बहुत प्यारी थी और वैसे दूसरी नहीं मिलेगी, सो अफसोस है थोड़ा सा। सो आप मुझे बताइएगा कि आज आपकी कौन सी चीज़ जो है वो गुम हो गई है। ठीक है, तो मेरी तो रिंग हो गई है और अब मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी तो काफ़ी लेकिन मिली नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट माइनस टू ऑफ एक्स। ठीक है, सो माइनस टू एक्स को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा, माइनस वन को माइनस वन के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ वन। सो ये हमारे पास ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा प्लस साइन, एंड ये हो जाएगा माइनस साइन, दिस विल बी कैंसिल, एंड नाउ अगेन इसको हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग अगेन इसको डबल कर देंगे, ये हो जाएगा टू ऑफ एक्स, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स वाई माइनस टू ऑफ वाई प्लस वाई ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब इसको सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इजी, बिकॉज हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अगर जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो वो कन्फ्यूज़ होंगे, तो जिनकी कन्फ्यूजन है तो उनको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है,
तो और भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आगे चलते हैं, एक न्यू टर्म लेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर वाई 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 है, हमारे पास यहाँ पर कहीं भी वाई नहीं है। सो लेट्स टेक द टर्म ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ वाई, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस ऑफ वाई। सो अगर हम लोग टू एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स वाई। सो हमारा जो यहाँ का टर्म है वो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। एंड 2x को अगर हम लोग y के साथ करेंगे 2xy आ जाएगा, माइनस 2 को करेंगे तो माइनस 2 ऑफ y आ जाएगा, सही है। एंड y और y को करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, साइन विल बी चेंज एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ख़त्म। और इसी के साथ हमारा जो आज का जो यहाँ पर स्क्वायर रूट का मामला है वो ख़त्म होने पर आ गया है। नाउ इसका आंसर लिखते हैं, स्क्वायर रूट में हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स वाई माइनस टू ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसके हमारे पास आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस वाई, जो हमारे पास ऊपर हम लोग यहाँ पर लेते हैं ये होता है हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर विद प्लस एंड माइनस। अगर आप ये दो साइन भूल गए समझिए आपके दो मार्क्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, ठीक है। सो जो साइन होती है ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादातर लोग समझते हैं मैथ्स में कोई काम की नहीं होती, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ों पर ध्यान दिया करें हमेशा, मैं आपको हमेशा बताती हूँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स में जो है ये एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं, तो क्यों ना ये छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें आप, ठीक है, करने से, और फिर आपके जो मार्क्स होंगे वो पूरे आएंगे। तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सो आ गए हम लोग अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमें जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट अब दिया गया है, यानी ब्रैकेट्स दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग ने ब्रैकेट्स को ओपन करना है एंड देन हमारे पास जो है फंक्शन आ जाएगा एंड देन हम लोग उसका फिर क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर है वही स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, इट्स नॉट एनी न्यू थिंग, वही चीज़ें हैं बार बार यूज़ कर रहे हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। तो वही स्क्वायर वाला है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। सो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एंड साथ में आ जाएगा माइनस टू ए एंड बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर, दिस विल बी कैंसिल। सो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा ट्वेल्व बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा 36। नाउ यहाँ पर जो है सेम सेम जो है हमारे पास ऑर्डर वाले उनको ऑर्डर में कर देंगे, जैसे ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ फोर हो जाएगा, ये वन बाय एक्स स्क्वायर है, ये भी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, अच्छा ये इस पे होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा वन बाय एक्स ऑफ फोर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू एंड ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वन बाय ट्वेल्व और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो इसको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते तो छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको ऑर्डर पे लिख देंगे, यानी ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हमारे पास कि पावर के लिहाज से हम लोग इसको ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। अब देखें ये तो इसका ऑर्डर नहीं है, तो चलिए इसको अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हमेशा जब भी मैं आपको बताती हूँ कि कोई सोल्यूशन आप कर रहे हैं तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में ही सबसे पहले लिखिए, क्योंकि जब भी हमारे पास ऑर्डर पे चीज़ होती है तो वो चीज़ जो है बहुत ही परफेक्टली सॉल्व होती है, ठीक है। सो ऑर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। तो चलिए इसको ऑर्डर पे लिख देते हैं। सबसे पहले पावर फोर होगी हमारे पास एंड देन हमारे पास आएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस टू प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस ये हो जाएगा ट्वेल्व बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स ऑफ फोर हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर आप अपने लिहाज से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो चलिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं एंड यहाँ पर ये जो दो कांस्टेंट हैं इन दोनों को भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है माइनस हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 34। तो चलिए बस इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगी, अब यहाँ पर कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 34 एंड प्लस ये हो जाएगा ट्वेल्व बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वन बाय एक्स ऑफ फोर, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो आपको पता चल गया होगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत प्रैक्टिस कर ली हमने इस चीज़ों की। एक्स स्क्वायर है, एक्स और एक्स को लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। नहीं, एक्स ऑफ फोर है, एक्स ऑफ फोर है, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर लेंगे तो एक्स ऑफ फोर जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा। सो हम लोग को ये आना चाहिए कि कौन कौन से टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास क्या जनरेट होगा। तो ये तो हो गया है हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यूज बच जाएंगी दैट विल बी माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस 34 प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स ऑफ 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x ऑफ स्क्वायर। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है 6 का टेबल चल रहा है। तो टेबल्स को भी देखा करें, 6 का टेबल चल रहा है और एक्स स्क्वायर है तो हम लोग खाली जो है वो 6 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6। तो 2 और 6 हमारे पास क्या देगा, माइनस 12 एक्स स्क्वायर देगा। 6 जर हमारे पास क्या देगा, वो देगा हमारे पास 36। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 36। ठीक है, सो बस इतना ही था, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास माइनस ऑफ 2 प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स ऑफ 4 जो है वो हमारे पास बच गया। अब ये तो बच गया बट हमारे पास जगह नहीं है नीचे, सो मैं ऊपर वाला इरेज करूँगी एंड यहाँ से फिर स्टार्ट करूँगी। ठीक है ना, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। मैं न्यू बोर्ड लूँगी फ़िलहाल, अभी टाइम है उसमें, तो बड़ा बोर्ड लूँगी तो फिर हमारे पास जो है जगह हमेशा ज़्यादा ही रहेगी सॉल्यूशंस के लिए। तो ये चलिए लास्ट वाली जो लाइन है वो मैं यहाँ पर अगेन लिख देती हूँ। हमारे पास क्या टर्म्स बचे थे, माइनस 2 बचा था, प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर बचा था एंड प्लस 1 बाय एक्स ऑफ 4 बचा था। एंड यहाँ पर हम लोग किस चीज़ में जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे 2x स्क्वायर माइनस 6 में, 2x स्क्वायर माइनस 6 में। ठीक है, सो ये था। अब हम लोग न्यू टर्म लेंगे तो न्यू टर्म हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको डबल कर देंगे सो हो जाएगा माइनस 12। सही है, एंड साथ में क्या आ जाएगा, अब हम लोग को न्यू टर्म लेना है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ऊपर वो डिवीजन वाला टर्म गायब हो गया है। यहाँ पर हमने क्या टर्म लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा वो लिख देती हूँ, माइनस 2 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स ऑफ 4। अब चलते हैं, अब हमारे पास चीज़ें जो हैं वो पहले एक तरह हो गई हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे तो ये तो हमने डबल ले लिया है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू टर्म लेंगे। तो अगर यहाँ पर देखिए तो डिवीजन वाली टर्म आ रही है, सो वी विल ऑल्सो टेक द टर्म ऑफ डिवीजन 1 बाय, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर लें सो ये हो जाएगा हमारे पास काम। अगर इसको देखें और इसको देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी ले लेंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास टर्म्स हो गए, अब इसी में हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो ये और ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास माइनस 2 बच जाएगा, दिस विल बी माइनस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाय एक्स ऑफ 4 आ जाएगा। साइन विल बी चेंज एंड हमारा जो आंसर है वो हो गया पूरा। नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया। सो वो आपके पता चल गया होगा कि हम लोग जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ऊपर वाले फैक्टर्स को लेते हैं। सो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ, हमें फिर से क्वेश्चन यहाँ पर पूरा का पूरा लिखना होगा, एक्स ऑफ 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 34 प्लस 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स ऑफ 4 का हमारे पास आंसर क्या आया स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में हमारे पास आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो बस ये हो गया है हमारे पास बहुत ही सिंपल सा स्क्वायर रूट 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 4 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।